17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले सेवा पखवाड़े के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी कैंप मंडल के पदाधिकारियों द्वारा बैकुंठ धाम क्षेत्र में सघन सफाई अभियान चलाया गया और आम जनता का स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी कैंप मंडल के अध्यक्ष अनिल सोनी एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बैकुंठ धाम क्षेत्र में सघन सफाई अभियान चलाया गया। यह कार्य सेवा पखवाड़े के तहत आम जनता की सेवा करते हुए एक स्वच्छ वातावरण देने का प्रयास किया गया। पूरे पखवाड़े भर में भिलाई क्षेत्र के सभी मंडलों में जनहित से जुड़े एवं सेवा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को एक बार पुनः यादगार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कैंप मंडल के पदाधिकारियों ने सर्वप्रथम बैकुंठ धाम वार्ड की गलियों की सफाई की और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक भी किया। फिर यह टीम बैकुंठ धाम स्थित सूर्यकुंड तालाब पहुंची और वहां भी इन्होंने तालाब परिसर की साफ सफाई की। इस अभियान में महिला मोर्चा की सदस्याओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी कैंप मंडल के अध्यक्ष अनिल सोनी सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी सेवा पखवाड़े की जानकारी मीडिया को दी है। मोदी जी के जन्म दिवस पे एक पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश भर में। पूरे प्रदेश के कार्यक्रम को देखते हुए हमारे जिले में भी, भिलाई जिले में भी कैंप मंडल में कार्यक्रम सफाई का, पखवाड़ा का कार्यक्रम और स्वच्छता का कार्यक्रम रखा गया है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश यही है कि वार्ड हमारा स्वच्छ रहे, नगर हमारा स्वच्छ रहे, देश हमारा स्वच्छ रहे। मोदी जी का जन्मदिन इस तरह मनाया जाए कि न कहीं केक काटना है, न कहीं लड्डू बांटना है, न कहीं मिठाई बांटना है, खाली सेवा कार्य करके और पूरी जनता के सामने इस तरह का उद्देश्य प्रस्तुत करना है कि देश का प्रधान सेवक एक सादगीपूर्ण सेवा करते हुए उन कार्यों को करवा रहा है या कर रहा है जो कार्य हमारे देश की जनता के लिए, हमारे जनजीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम जब 2 साल के पिछले कोरोना काल को देखते हैं तो कोरोना काल के पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में हर जनता के बीच में मन में ये कार्यक्रम कि स्वच्छता हर जगह रहनी चाहिए और स्वच्छता की वजह से ही हम इस कोरोना काल के पूरे 2 साल हमने विजय पाई है, उसका एकमात्र कारण स्वच्छता था। और ये बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री जी अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से देना चाहते हैं। आज का जो कार्यक्रम है 17 सितंबर को माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस था और 17 सितंबर से जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में जन्मदिन मनाया जा रहा है और हम लोग जन्मदिन सेवा करके मना रहे हैं क्योंकि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सौभाग्य है, वो अपने आप को देश का प्रधान सेवक मानते हैं और देश की जनता का सेवा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के एक पखवाड़े भर सेवा करेंगे जनता का, चाहे सफाई अभियान हो या अन्य कार्यक्रम। मोदी की जन्म उत्सव के समक्ष हम लोग वार्ड 32 में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी लोग वार्डवासियों सम्मिलित हैं। तो ये सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है? सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। और किस किस तरह से सेवा करेंगे? साफ सफाई पूरे गली में साफ सफाई करवाने का, जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्रियां दिलवाएंगे। केंद्र सरकार के आह्वान पर आम जनमानस की सेवा करने के भाव से सेवा पखवाड़े का आरंभ किया गया है और इसके तहत विभिन्न प्रकार के सेवा से जुड़े कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।